नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। जैसा कि हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हमारा सिलेबस आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आज उसी अगली कड़ी के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने एसिड बेस की थ्योरीज के बारे में किया था, दूसरे पार्ट के अंदर हमने पीएच के बारे में कहा था, और आज जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में हम कॉमन सॉल्ट जो हमारे डेली यूज के आते हैं जैसे NaCl, अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करता हूं तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, यानी या फिर हम इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जो हमारे घरों में खाना नमक होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। दूसरी बात करें अगर इसका साइंटिफिक केमिकल नेम का, तो इसका नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके ये बनता है, और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और अगर कल ही हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जिस भी चीज का पीएच 7 होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेसिक इन नेचर होता है। अच्छा, अगर हम इसको बारे में बात करें तो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी पाई जाती है। जनरली हम इसको कहाँ से निकालते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ सांबर झील है, सांबर जो लेक है राजस्थान की सबसे बड़ी, खारे पानी की बात कर सकते हैं हम, भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की पहली, यानी पहले नंबर पे जो आती है, लगभग 8.7% टोटल इंडिया का जो नमक बनता है वो सांबर झील के अंदर बनता है, और इसमें जो नमक पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। अगर हम इनकी बात करें NaCl की, तो समुद्र के पानी से हम इसको प्राप्त करते हैं, सी वाटर से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने उसको, पानी को सुखाया जाता है वहां पर, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या देखा हो तो उसमें क्यार पद्धति, यानी पानी को छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें भर दिया जाता है, फिर पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहां पर क्या रह जाता है, नमक। अब ऐसा तो है ही नहीं कि उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज नहीं होगी, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती है, जैसे MgCl2 हो गया, और उसके अलावा हम बात करें तो CaCl2, ऐसी कुछ इंप्योरिटीज इसके अंदर पाई जाती है जिनको अलग सेपरेट किया जाता है। अब अगर हमें प्योर NaCl चाहिए, तो प्योर NaCl के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो NaCl होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जो इम्प्योर है उसको हमें HCl के अंदर से पास करना होगा। तो जो प्योर NaCl है वो PPT की फॉर्म में, अगर आपने कभी गांव में देखा होगा कि नमक बेचने वाले आते हैं, और जो नमक बेचने वाले आते हैं उनका नमक मिश्री की तरह मोटे मोटे दाने होते हैं, मोटे मोटे पत्थर के जैसे होते हैं, यानी पीपीटी जो जमे होते हैं वो कैसे होते हैं, NaCl होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो NaCl जो होता है कैसा होता है, आपने घरों में नमक देखा होगा कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर गैस फॉर्म में होता है, कैसा होता है वो, सॉलिड फॉर्म में। यानी कि इसकी स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सी हो गई इसकी, सॉलिड होता है। दूसरी अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट करीबन 1081 केल्विन, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो बताओ पानी नमक, मतलब नमक पानी में घुलता है या नहीं घुलता, तो हम कहेंगे ये हाईली सॉल्युबल है, कैसा है, हाईली, पूरा का पूरा ये घुल जाता है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ये कैसा होता है, जैसे ही इस NaCl को हम, इस NaCl को हमने किस में मिलाया, H2O में मिलाया, तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, यानी आयोनाइज्ड हो जाएगा। जैसे ही हम नमक यानी कॉमन सॉल्ट को पानी में डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो कहां कहां काम में आता है, कोई बताएं, तो
तो सबसे पहली बात करें हम, तो हमारे घरों में जो खाना बनता है उसके अंदर हम नमक के काम लेते हैं। दूसरी चीज, हमारे घरों में एक और यूज होता है, वो कौन सा है, अचार डालने के काम में भी इसको लिया जाता है। तो अगर इसके यूजेस की मैं बात करता हूं, तो इन हाउस होल्ड फूड के अंदर दूसरा आता है प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी अचार जो डाला जाता है उसके अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। दूसरा बात करते हैं, अगर आपने कभी आइसक्रीम खाई हो तो आइसक्रीम का जो बाहर वाला जो कवर होता है ना, उसमें यानी फ्रीजिंग के तौर पे भी इसको काम में लिया जाता है। फ्रीजिंग करने के लिए पहले के जमाने जब फ्रीज नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे, उस किसी मटके के चारों तरफ नमक के अंदर मटके को गाड़ दिया जाता था, जिससे पानी ठंडा रहता था। और इसके अलावा कुछ NaCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, इस तरीके की कुछ सब्सटेंस बनाने के लिए भी ये रॉ मटेरियल के तौर पे काम में लिया जाता है। तो पहला हमारा जो सॉल्ट था वो था NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टेबल सॉल्ट है, इसका अगर बात करें तो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कहां से पाया जाता है, यानी समुद्र सी वाटर को अगर हम ड्राई करें, सुखाएं, तो उसमें से क्या निकलेगा, नमक निकलेगा, और साथ ही कुछ इंप्योरिटीज निकलती है, जैसे MgCl2 हुआ, CaCl2 हुआ, उस तरीके से कुछ इंप्योरिटीज भी निकलती है। तो उससे हमें साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको HCl के अंदर से पास करवाना पड़ेगा, और HCl के अंदर से जब पास करेंगे तो हमारे पास प्योर NaCl PPT की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन होता है, यानी काफी ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। और अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी के अलावा, यानी कि ये आयनिक होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही इसको मिलाएंगे ये किस में बदल जाएगा, आयंस के अंदर बदल जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। यूजेस की बात करूं तो हाउस होल्ड फूड जो हम खाना बनाते हैं उसके अंदर टेस्ट के लिए लेते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के काम में लिया जाता है, फ्रीजिंग यानी चीजों को ठंडा रखने के काम में लिया जाता है, और NaCl यानी कुछ NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ऐसे जो सॉल्ट हैं उनको बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। अगर मैं आगे देखता हूं तो सेकंड नंबर का जो हमारा सॉल्ट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से अगर इसका कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया सोडियम, तो Na हो गया, हाइड्रोक्साइड OH, NaOH। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं, जिसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, यानी कि हमारा जो साबुन आता है उसके अंदर क्या आता है, कॉस्टिक सोडा। और आपको बताऊं तो हमारा जो ओसवाल साबुन आता है उसके अंदर बहुत मात्रा में, यानी काफी मात्रा में कॉस्टिक सोडा पाया जाता है, और हमारे जो घर कपड़ों के जो कलर जाता है वो ये कॉस्टिक सोडा ही इस कलर को बाहर निकालने का काम करता है। और इसको बनाते कैसे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करवाते हैं जब हम इलेक्ट्रोड लगा के, तो क्या होता है, NaOH हमें प्राप्त होता है। अगर हम क्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन की बात करवाते हैं तो एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड, यानी कि क्लोरीनेशन रिएक्शन जो है, क्लोरीन गैस के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो NaOH की रिएक्शन H2O के साथ अगर मैं कराता हूं तो क्या निकलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन तो क्या होगा, NaCl नमक के साथ, NaCl की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करवाता हूं तो क्या बनेगा, देखो 2 मोल्स ऑफ NaOH यानी कॉस्टिक सोडा बनेगा, प्लस Cl2 बनेगा और साथ में H2 बनेगा, यानी ये तो किस पे आएगा, हमारा कैथोड पे आएगा, किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा, और ये जो Cl है ये किस पे आएगा, एनोड पे आएगा। क्यों आएगा एनोड पे, क्योंकि Cl हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसलिए किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा।
आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी है, वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस होता है ये, कैसा, साबुन के जैसा वाइट चिकना सा सब्सटेंस होता है। दूसरी अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा नहीं होता, यानी कि फिर भी वैसे देखा जाए तो 200 केल्विन समथिंग 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, लेकिन एज कंपेयर टू NaCl ये कैसा कम होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, वाइट सोपी सब्सटेंस। दूसरी बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 591 केल्विन, कितना है 591 केल्विन। इट इज अ रियली सॉल्युबल इन रेडियली, यानी कि पूरी तरीके से तो नहीं होता लेकिन ये फिर भी क्या होता है, रेडियली सॉल्युबल इन वाटर हो जाता है, इन वाटर। अगर आप सर्फ को घोलोगे, किसमें, कॉस्टिक सोडा को अगर हम पानी में घोलते हैं तो कैसा होता है, वो पूरी तरीके से सॉल्युबल तो नहीं होता लेकिन फिर भी सॉल्युबल हो जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज यूज एज एन NaOH एक्वस सॉल्यूशन, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, इट इज अ क्रिस्टलाइन, और ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि जब भी NaOH होता है इसके साथ में कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे NaOH.10H2O हो गया, यानी ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, कुछ H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके साथ में आते हैं, और इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो NaCl होता है, NaOH होता है, ये क्या होता है कि जब भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की हमने जब एसिड बेस पढ़ा था उसमें पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो जब पानी में इस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो ये पूरे तरीके से टूट जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी Na प्लस और OH नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो अभी बताया था कौन सा होगा, इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं, यानी साबुन बनाने के काम में आएगा, सोप बनाने के काम में आएगा, दूसरी एल्यूमिनियम जो मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट होता है, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और होता है, एल्यूमिनियम का और होता है, तो दूसरा क्या हो गया, मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट को भी के अंदर काम में लिया जाता है, और तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है उसके प्योरिफिकेशन के भी काम में ये लिया जाता है, ठीक है। और नंबर चार की अगर मैं बात करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेट्स एंड ऑयल्स बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है, और पांचवा जो इसका यूजेज होगा वो कैसा है, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, ये NaOH जो होता है इसको कॉमन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, व्हाइट सोपी कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन है, रेडियली सॉल्युबल, रेडियली सॉल्युबल का मतलब होता है पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है लेकिन फिर भी सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि अगर इसको पानी में मिलाए तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जब जुड़ेंगे तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल जैसे इस तरीके से .10H2O या 2H2O इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है। अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो साबुन बनाने के काम में लिया जाता है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, उसकी मेटलर्जी करने के काम में लिया जाता है, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल के काम में लिया जाता है, फैट्स ऑयल्स वगैरह के काम में लिया जाता है, और नंबर पांच की मैं बात करूं तो लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी इसको काम में लिया जाता है। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी के आगे और सॉल्ट है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, वॉशिंग सोडा और POP हुआ, ये चार सॉल्ट हमें और पढ़ने हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सोफेनिफिकेशन, यानी जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कैसे हमारे कपड़े साफ होते हैं, कैसे हम उसको साबुन लगाते हैं और कैसे झाग बनते हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना करेंगे, इसको पढ़िए दोबारा से, लर्न करिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं कई एग्जाम के अंदर दो सॉल्ट पूछे जाते हैं हमसे हमेशा, और इनके बारे में हमें ध्यान रखना है।
आज की क्लास में हम इतना करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।